हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राख। आज की वीडियो में हम बातें करेंगे किस प्रकार राख का प्रयोग हम अपने बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों पर करके उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो राख दो रूपों में हमें प्राप्त हो सकती है। पहली तो लकड़ी के जलने से जो राख बनती है वो राख, और दूसरी जो गोबर के उपलों से बनी हुई उपलों को जलाने से जो राख प्राप्त होती है वो राख। आज की वीडियो में जो राख मैं प्रयोग करूँगा वो गोबर के उपलों को जलाने से हमें प्राप्त हुई है, उस राख का हम प्रयोग करेंगे। तो अभी आपके सामने है नींबू का पौधा। इस नींबू के पौधे पर इंसेक्ट्स का अटैक हो गया था। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी पत्तियों को काफ़ी नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। कुछ थोड़ी बहुत फ्लावरिंग भी इसके अंदर हुई है, लेकिन ग्रोथ ये अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो आज हम इसके ऊपर इसका प्रयोग करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि राख के प्रयोग से पौधों को पोटेशियम, फास्फेट, कॉपर, आयरन और मैग्नीज प्राप्त होता है। राख पौधों को तेज़ गति से बढ़ने में मदद करती है, क्योंकि यह पौधों को ज़रूरी पोषण प्रदान करती है। अगर हम पौधों की जड़ों के अंदर भी राख मिक्स कर देंगे तो इससे पौधे को अतिरिक्त कैल्शियम और मैग्नीशियम भी उपलब्ध हो जाता है। तो इंसेक्ट से बचने के लिए किस प्रकार से हम राख का प्रयोग करें, मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। देखेंगे किस प्रकार से हमारे पत्तों को नुकसान इसने पहुंचाया हुआ है इंसेक्ट्स ने। तो इंसेक्ट से बचने के लिए हम राख को इसके पत्तों के ऊपर अच्छे से लगा देंगे, अच्छे से छिड़क देंगे। अभी जो राख है उसको मैं इसके ऊपर छिड़क देता हूँ। तो ये राख मैंने नींबू के पत्तों के ऊपर अच्छे से डाल दी है, आप देख रहे हैं जैसा वीडियो में। इससे क्या होगा कि जो स्नेल्स या जो इंसेक्ट्स हैं वो एक तरह से इनके पत्तों को नहीं खा पाएंगे, क्योंकि मिट्टी या डस्ट इसके ऊपर लग गई, राख इनके ऊपर लग गई। ये दूसरा पौधा है हमारा मौसमी का, इसके ऊपर भी बार बार इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो इसके ऊपर भी हम राख को लगा देते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरे पौधे हैं, चाहे अमरूद है, टमाटर है, अनार है, जितने पौधे हैं उन सभी पर हम राख का प्रयोग कर सकते हैं। जितने पौधे हमारे, चाहे फलों के हैं, चाहे वो फूलों के हैं, चाहे सब्जियों के हैं, सभी के अंदर हम राख का प्रयोग कर सकते हैं। जो राख है वो हमारे पेस्ट को कंट्रोल करने में, स्नेल्स को, स्लग्स को मारने में भी काफ़ी कारगर साबित होती है। यह पौधों के लिए एक तरह से मुफ्त की खाद है, कीटनाशक के रूप में भी काम करती है, फंगीसाइड का भी ये काम करती है। ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई खाद है, जो कि इसको हम फफूंद नाशक भी कह सकते हैं। कीटनाशक के रूप में तो ये प्रयोग होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। साथ ही साथ ये मिट्टी के पीएच को भी कंट्रोल करती है, उसको इम्प्रूव करती है। अमरूद के पौधों के पत्तों को आप देखेंगे तो उनके अंदर भी इंसेक्ट्स ने थोड़ा सा अटैक करने की वजह से पत्तों में थोड़े छेद से बने हुए हैं, तो उस पर भी मैंने इसको डाल दिया है। इसके साथ ही टिंडे की ये सब्जियों, जैसे मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं, उनमें भी काफ़ी ये कारगर साबित होगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर भी, पत्तों के ऊपर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मैंने अच्छे से छिड़क दिया है। जड़ों के अंदर भी हम डाल देंगे, मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे, तो उससे इसको एज ए कंपोस्ट, एज ए फर्टिलाइज़र इसको हेल्प मिलेगी और ग्रो करने में हेल्प रहेगी। ये दूसरा मेरा अमरूद का पौधा है, इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से इसको छिड़क दिया है। तो इसको हम आज, जैसे मान लो सुबह राख छिड़क देंगे सारे पौधों के ऊपर, और इसी को 5 से 6 घंटे तक ऐसे ही हम छोड़ देंगे। उसके बाद शाम के समय हम इसके अंदर पानी लगाएंगे। ये भी टिंडे की हमारी बेल है, इसको भी इंसेक्ट्स ने काफ़ी ख़राब करने की कोशिश की, तो इसको भी हम बचाएंगे। इसके ऊपर भी अच्छे से मैंने इसका छिड़काव कर दिया है। तो टमाटर के अंदर, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, सभी प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अभी शाम के समय में एज ए, जैसे फवारा चलाते हैं या बारिश करते हैं, उस प्रकार से पाइप चला करके, मोटर चला करके मैं इसके ऊपर अच्छे से सभी पौधों को अभी धो दूंगा, और जो राख इन पत्तों के ऊपर लगी हुई थी वो भी काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगी, और उसने जो काम करना था इंसेक्ट्स को मारने के लिए वो काम भी हमारा हो जाएगा, और ये राख पानी के साथ मिक्स होकर के जड़ों में भी अच्छे से चली जाएगी।
तो कैसी लगी वीडियो आज की? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।